11 दिन पूर्व हुई युवक अंशुल की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतक के परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस अधिकारियों से की है। पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र के सुभाष त्राहे का है, जहां पर काफी संख्या में लोग कैंडल मार्च निकालने पहुंचे हैं। कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों ने बताया कि 11 दिन पूर्व थाना उत्तर क्षेत्र के ही टापा कला में रहने वाले अंशुल की कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है। आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर वह लगातार एसएसपी, डीएम सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी ना होने के विरोध में परिवारी जनों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। मार्च लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं? मेरे भतीजे की हत्या कर दी गई 19 तारीख को। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये मांग रहे हैं हम कोई पुलिस पकड़े गए, ये मांग कर रहे हैं। FIR की थी पुलिस ने आपकी, कार्रवाई कितने दिन हो गए आपके भतीजे की हत्या को? 11 दिन है। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस द्वारा? कोई, हम एसपी साहब गए, कप्तान साहब गए, हमें तो कोई ना जब लेते थे, जांच कर रहे। मेरे छोटे भाई का मर्डर कर दिया था 19 तारीख को, आए लगभग 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की। आखिर क्या कारण है गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? अभी ये पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है, पुलिस प्रशासन जाने। हम लोगों ने SSP साहब और DM साहब को भी ज्ञापन दिया था, दो तीन दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई फिर भी नहीं हुई, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सरेआम घूमा जा रहा है, काले कलर की स्कॉर्पियो में सभी लोग घूम रहे हैं। क्या मानते हैं इस मर्डर के पीछे कौन कौन लोग हैं? इन मर्डर जो ये मर्डर किया गया है, इसमें सील ज्ञान रतन, नीति ज्ञान रतन, बबलू और KD जाटा, विजय कांत, राजवीर सिंह और टिंकू, सुरेंद्र सिंह, अजय कांत और अजीत, राजवीर और टिंकू, राहुल देव, इन सभी का हाथ। कोई पुरानी रंजिश या क्या वजह रही है? रंजिश ये थी कि मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी, उसने उसकी वाइफ ने अपने मायके में आत्महत्या कर ली थी, जिसके रंजिश के खाते इन्होंने मेरे भाई की हत्या की। बड़े भाई, मेरे माँ बाप दोनों, तीनों लोग अभी जेल में। क्या मानते हैं आखिर पुलिस से, आप बड़े अधिकारियों से मिले, क्या कुछ आश्वासन, किस तरह का आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया गया था कि अभी जांच चल रही है, जिस तरह से हत्या की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया देखी गई, तो उसमें ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जिस पर वार न किया गया हो। दोनों पैर तोड़े गए, घुटनों से नीचे पूरी तरह से हड्डियों को बेखरा गया, चेस्ट पे पूरा, एक साइड पर पूरा तोड़ा गया, सिर पे पूरी तरह से घायल किया गया, गर्दन से यहाँ से पूरे किसी धारदार हथियार से किया गया, कोहनी तोड़ी गई, मतलब निर्मम हत्या की गई है। ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया है कि ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा। क्या किस तरह की मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।